हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे त्रिभुज और वर्ग गिनना। त्रिभुज और वर्ग कैसे गिनते हैं, आइए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है। पहले अपने एक पार्ट अभी हाल सीख लिया, इसका दूसरा पार्ट है जिसमें कुछ बाकी भाग बच गए वो आपको इस पार्ट में हम आपको कवर कराएंगे। तो ये आपके MPPSC, SSC और अनेक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैंक PO के लिए, सभी के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कितने वर्ग हैं, ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें कितने वर्ग हैं? ऑप्शन आपका 4, 5, 8, 10 है ना। दोस्तों आप देखते हो कितने फिगर है, तो दोस्तों एकदम उत्तर नहीं लगा देना है। यदि एकदम उत्तर लगा दोगे तो यहां देखोगे आप, एक दिख रहा है आपको, यहां दो दिख रहा है, तीन और चार पूरा मिलके पांच। अगर पांच लगा देते हो तो गलत हो जाएगा है ना, किसी ने चार लगा दे गलत हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 और पूरा मिलके कितना हो गया, 5। इसी तरह आप इस साइड से देखोगे कि यहां पे भी ये एक बन रहा है ना, यहां पे भी एक दो बन रहा है, दो, और यहां पे भी एक बन रहा है, तीन, और यहां से यहां पर एक चार, और ये पूरा मिलके 5। तो इस तरह 5 ने 5 मिलके कितना होगा, 10 है ना। तो इसमें कितना, कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला वाला देखिए, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं? दो प्रश्न पूछे हैं, कितने त्रिभुज हैं और कितने वर्ग हैं? और ऑप्शन आपके पास ये ढेर सारे दे रखे है ना, 26 त्रिभुज 5 वर्ग, 28 त्रिभुज 5 वर्ग, 26 त्रिभुज 6 वर्ग और 28 त्रिभुज 6 वर्ग है ना। देखते हैं कितना क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले त्रिभुज अपन काउंट कर ले, पहले इस वर्ग का गिन लेते हैं फिर बाद के गिनेंगे ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर वर्ग की बात करते हैं तो इसमें कितने हो गए, 8 है ना, कितने हो गए 8। तो 8 दूनी कितना होगा दोस्तों, ठीक है ना, 8 हर एक यहां पे कट रहा है, हर बिंदु पे कट रहा है, 8 तो ये हो गए। ठीक है अपन 8 गिन लेते हैं पहले है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। ठीक है अब अपन यहां से इस बिंदु से चलते हैं, किस बिंदु से चलते हैं, इस बिंदु से चलते हैं, किस बिंदु से, यहां से चलते हैं। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, यहां से यहां होके यहां होके ये एक त्रिभुज बन गया, इन दो मिला के जब एक ये हो गया तो इसी तरह एक ऊपर हो गया है ना, दो हो गए। इसी तरह यहां से यहां होके एक इधर बन गया तो इधर भी एक हो गया, ये दो हो गए। तो अपने बगल वाले अपनों ने गिन लिए है ना, ये अपनों ने गिन लिए, इसके अंदर अंदर ही चल रहे अपन, बाहर नहीं निकल रहे। तो एक इधर का और एक इधर का, दो, एक इधर का, तीन और एक इधर का, चार हो गए है ना। ठीक अब अपन यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां आएंगे तो ये पूरा यानी 1, 2, 3, 4 मिलके एक त्रिभुज बनेगा। इसी तरह एक त्रिभुज इधर भी बनेगा, यहां से इन सबको मिलके एक त्रिभुज यहां से यहां तक एक इधर भी बनेगा तो दो बन गए। इसी तरह यहां से चलेंगे तो इधर जाके इधर आएंगे, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा तो दो इधर बन गए। यानी इस चौकुर का काम खत्म हो गया, चौकुर का काम खत्म हो गया। अब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर अपने 1, 2, 3, 4 त्रिभुज और बाहर बन रहे, कितने बन रहे, 1, 2, 3 और 4। पहले अपन एक को गिन लेते हैं, यहीं से चलते, देखो एक तो त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज के साथ में ये भुजा है, ये इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, तो इसका दो यानी यहां से कितने त्रिभुज मिल रहे हैं अपने को, दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक तो ये और एक से जुड़ा, दो मिल रहे हैं। ठीक है इसी तरह यहां पे एक ये है और एक अंदर जुड़ा हुआ है, अंदर जुड़ा हुआ है, यहां से इससे भी जुड़ा हुआ है तो एक और एक इधर जुड़ा, दो नहीं, यहां पहले ऊपर का गिन लो, 1, 2 और 1 पूरा 3 हो गए, 3 के बाद 1, 4 और 5 त्रिभुज यहां से मिल रहे अपनों को, कितने मिल रहे 5, क्योंकि अपन ने यही गिना था। उसके बाद 1, 2 और पूरा मिलकर 3 तो ये हो गए और इन दोनों को मिलके 4, इन दोनों को मिलके 5, क्योंकि यहां से यहां होके 5, तो 5 अपनों ने लिख दिए। अब इसका काम खत्म हो गया, फिर अपनों ने एक गिना, एक और इन दोनों को मिला के 2, 2 हो गए। लेकिन अब
और क्या हो सकता है, इन दोनों मिला हो गया। लेकिन अब इन सबको पूरा मिला दो, एक दो तीन चार, तो एक त्रिभुज ये बनेगा। इसी तरह एक दो तीन चार, एक त्रिभुज इधर बनेगा, दो तो ये हो गए और एक पूरा मिलके तीन त्रिभुज और बनेंगे। क्यों, यहां से एक दो तीन चार, यानी ये रेखा यहां से यहां आई और इधर गई, इधर गई, एक तो ये बना। और इस तरह एक दो तीन चार, एक इधर बना, दो और एक पूरा मिलके, यानी इन दोनों को मिला के तीन, तो तीन त्रिभुज और बन गए। अब गिनते हैं कितना होता है, देखिए आठ दो दस, दो बारह, तेरह चौदह, पंद्रह सोलह, सोलह हो गए, सत्रह अठारह, अठारह और पांच तेईस, तेईस हो गए, चौबीस पच्चीस, और पच्चीस और तीन अट्ठाईस, तो अट्ठाईस तो अपने त्रिभुज हो गए। अट्ठाईस त्रिभुज यहां भी आ रहे, यहां भी आ रहे, अट्ठाईस त्रिभुज यहां भी आ रहे, यहां भी आ रहे। अब आप एकदम राइट नहीं लगा दें, दो ऑप्शन ऐसे आपको भ्रमित करने वाले आ जाएंगे। अट्ठाईस त्रिभुज यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसके थोड़ा और सोचने की बात है कि ये पांच वर्ग कितने हो सकते हैं। दोस्तों वर्ग इस सबको मिलकर एक वर्ग यहां हो रहा, और एक यहां हो रहा, दो, एक यहां हो रहा, तीन, एक यहां हो रहा, चार और एक पूरा मिला के पांच, कितना वर्ग हो रहा, पांच हो रहे। तो ये ऑप्शन अट्ठाईस त्रिभुज पांच वर्ग अपने बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको कभी देखे नहीं होंगे, इससे आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कभी देखे नहीं होंगे। तो थैंक यू, अब अगला और कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे त्रिभुज है, ऐसे वर्ग आपको बताऊंगा जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज गिनना है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो कुछ नहीं करना, आठ दूनी सोलह, ये सोलह ऑप्शन राइट है इसका, कुछ नहीं करना। कौन सा ऑप्शन है, सोलह ऑप्शन इसका राइट है, कुछ नहीं करना, क्योंकि सोलह ही त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए नहीं बनते बताऊं आपको, आठ हो गए, आठ तो लिख दिया अपने, ठीक है। अब आप एक और दो इन त्रिभुज की मिला के एक क्या बन रहा, बन रहा है त्रिभुज, देखो बन रहा है ना, एक तो ये बना। इसी तरह एक इधर बना, दो, एक इधर बना, तीन, एक इधर बना, कितना, चार त्रिभुज हो गए, है ना, एक दो तीन चार हो गए। अब आपको एक और दो इन दोनों मिला के एक बनता है, इन दोनों को मिला के एक और बना, तो दो और आपने लिख दिए, है ना, इन दोनों को मिला के यहां से यहां तक एक बना, तो इधर भी एक बना, दो लिख दिए। फिर और गिन सकते हैं, ये जो एक लंबा त्रिभुज है ना, इसके जोड़ में एक और आ रहा है, तो एक इधर बना, एक इधर बना, तो दो और बन गए। अब गिन लो आप, तो आठ ने चार बारह, तेरह चौदह, पंद्रह सोलह, ये सोलह पहले आ गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले भी जाते हैं। कितने त्रिभुज है दोस्तों, ऑप्शन आपके पास दस, तेरह, पंद्रह, सोलह। दोस्तों वीडियो को आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप करके सवाल को कॉपी में हल करने की कोशिश कीजिएगा, अगर सीखना है तो। अगर आप सीख लिए और ऑप्शन आपने मिल गया, कमेंट कर दीजिए आप पहले, फिर आप वीडियो को देखिए, ठीक है दोस्तों, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए क्या हमने सही उत्तर मिलाया, क्या हम सही सीखे, देखिए आगे दोस्तों। इसका कितना है, देखो वन टू है ना, अब इसमें कहीं तक ऐसा ऐसे नहीं बन रहा है कि इससे और कुछ बन रहा है, तो सभी अलग अलग त्रिभुज है। ये एक दो एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, अंदर भी एक त्रिभुज है, किसी का कॉम्बिनेशन बनता हो देखेंगे। देखो एक दो और एक पूरा, तीन हो गए, इसी तरह एक दो और एक पूरा, तीन हो गए, एक दो और एक पूरा, तीन इसके हो गए, ठीक है। अब अंदर के गिन लो, एक दो तीन चार, तो चार अंदर के हो गए। अब क्या कहीं से किसी के कॉम्बिनेशन से कुछ बन रहा है क्या, इस बिंदु पे कहीं से कहीं तक केवल एक ही त्रिभुज बन रहा था जो अपने गिन लिया, इसके अलावा कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है ना, इतने सब तो हो गए लेकिन एक पूरा त्रिभुज अपने नहीं गिना, एक दो तीन सबके मिलके, अंदर का भी नहीं गिना अपनों ने, एक अंदर का भी गिनना था अभी, तो एक दो तीन चार ही गिने अपने ने, लेकिन इन चारों को मिलकर एक त्रिभुज और हो रहा है, चारों को मिलकर एक त्रिभुज हो रहा है, और एक इधर हो रहा है, एक इधर, दो और तीन, इन सब पूरे को मिला के एक त्रिभुज और हो रहा है। अब गिन लो,
तीन तीन छह तीन तीन नौ चार तेरह चौदह पंद्रह, कितने त्रिभुज हो रहा है दोस्तों? पंद्रह। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना? तीसरा ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। कितना ऑप्शन हो रहा है इसमें? पंद्रह। नेक्स्ट अगला देखिए वीडियो, देखिए दोस्तों कितने त्रिभुज है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कुछ नहीं करना, आठ इंटू दो बराबर सोलह, आठ दुनी सोलह त्रिभुज, पहले आपको सिखा चुका हूं आठ दुनी सोलह त्रिभुज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन रहा दोस्तों, देखिए कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं, इसमें कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं, एक प्रश्न और आपके सामने आ गया। लास्ट क्वेश्चन है कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। देखिए अब ऐसा सवाल अपना अभी हल करा था, कितने पहले त्रिभुज गिन लेते हैं। देखिए वन टू थ्री फोर, तो चार, चार दूनी कितना होता है? आठ, तो आठ इसमें आठ ना आठ सोलह, आठ दून सोलह आठती चौ आठ चौ बत्तीस, देखो आठ आठ आठ, ये तो चार चार बार हो गए है ना, चार दून आठ आठ हो गए। लेकिन अब अपने को ये देखना है कि इस बिंदु पे कितना बन रहा है, हर एक बिंदु पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, इस त्रिभुज पे यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, बाहर वाले बिंदु पे एक त्रिभुज बन रहा है, बाहर वाले बिंदु पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहां से ऐसे गए, एक त्रिभुज हर बाहर वाले बिंदु बन रहा है ना, एक त्रिभुज यहां बन रहा है। इसी तरह अंदर भी जाएंगे तो एक यहां बन रहा, दो तीन चार, ये तो चार तो बीच बीच के बन गए। अब कोने वाले के देखिए, अंदर बाद में गिनेंगे, कोने वाले के देखिए, एक यहां से ऐसे एक त्रिभुज बना, फिर यहां से ऐसे एक बना दो, फिर यहां से इधर बना तीन, एक इधर बना, चार और बन गए। अब अंदर भुजा में देखते हैं, यहां देखते हैं, देखो यहां से ऐसे बना अंदर है ना, अंदर में एक बना, दो बने, तीन और एक, चार और अंदर बन गए। ठीक है अब गिन लो कितने त्रिभुज हो गए, देखो आठ सोलह आठ चौ आठ चौ बत्तीस, आठ बन चालीस और चार चुम्मालीस, तो कितने चुम्मालीस तो त्रिभुज हो गए, वर्ग कितने बन रहे देखिए, एक दो तीन चार और एक पूरा पांच तो हो गए, और अंदर देखिए एक दो तीन चार और पांच, तो कितने हो गए दस, तो चुम्मालीस त्रिभुज और दस वर्ग, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी ऑप्शन अपना राइट हो रहा है, चुम्मालीस त्रिभुज और दस वर्ग, ये अपना राइट ऑप्शन हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, और सबसे बड़ी बात यह कि आप ऐसे अपनी कॉपी में बनाकर देखेंगे सीखेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों याद होने वाला नहीं है, भूल जाओगे, इसलिए बार बार अपनी कॉपी में बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और अपने मिलने वाले दोस्तों को बताएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। थैंक यू दोस्तों, बाय।